तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों DSLR में स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं SD कार्ड को, और उसी का ही छोटा वेरिएंट यानी माइक्रो SD कार्ड को यूज़ करते हैं हम अपने मोबाइल फोन्स में स्टोरेज के लिए। इसके साथ कंप्यूटर या लैपटॉप्स की बात करें तो वहाँ यूज़ करते हैं हम हार्ड ड्राइव्स। दोस्तों माइक्रो SD कार्ड में जहाँ आपको 256 GB तक की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वहीं SD कार्ड में आपको 2 TB तक की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसी के साथ SD कार्ड के फ्यूचर में अब आपको देखने को मिली 128 TB की स्टोरेज। तो क्या है ये SD कार्ड, आज की इस वीडियो में इसी SD कार्ड के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल्स। वाई के टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने पास आपके पास कितना ही बड़ा स्टोरेज डिवाइस हो, फिर वो हमारे डाटा के सामने हमेशा कम ही पड़ जाता है, क्योंकि आजकल की फाइल्स इतनी बड़ी होने लगी हैं। साथ ही हमारे पास जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी हो गई है, अच्छी होने के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास 4K रेजोल्यूशन की वीडियो, 2K रेजोल्यूशन की वीडियो होती है, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। हालांकि हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं फिर, लेकिन कंप्रेशन का यूज़ करने के बावजूद भी उनका साइज़ काफ़ी अच्छा खासा रहता है। इसके साथ हमारे इमेज का साइज़ है, या फिर हम अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर 4K कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका साइज़ तो बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरेज हमेशा कम पड़ जाती है। इसके साथ स्टोरेज का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए अब हमारे पास आ गया है SD कार्ड में 128 TB की स्टोरेज। दोस्तों अगर 128 TB को आप GB में कन्वर्ट करते हैं तो 128 मल्टीप्लाई बाई 1024 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितना भी निकलेगा वो 1 GB में आ जाएगा, यानी इतने GB अब आपके पास है स्टोरेज के रूप में, वो भी केवल SD कार्ड में। दोस्तों इस SD कार्ड की अगर ट्रांसफर स्पीड की बात करूँ तो इसमें ट्रांसफर स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसमें आपको देखने को मिलती है 985 MBPS की ट्रांसफर स्पीड, यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई 1 GB की फाइल अगर आप उसको ट्रांसफर करना है तो केवल 1 सेकेंड में वो पूरी की पूरी फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, इतनी अच्छी खासी इसमें आपको डाटा ट्रांसफर की स्पीड देखने को मिलती है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारे पास 128 TB की SD कार्ड है, तो इसका जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ये दिया है SDUC, इसका मतलब SD अल्ट्रा कैपेसिटी SD कार्ड्स। दोस्तों इसमें जो हमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड देखने को मिलती है वो तो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमको 985 MBPS की स्पीड देखने को मिलती है। इसी के साथ इसमें आप अच्छे खासी 4K और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डिंग का SD कार्ड की स्पीड से क्या मतलब है, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं किसी अदर वीडियो में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है किसी भी मेमोरी कार्ड की, वो रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी हद तक मायने रखती है। दोस्तों 128 TB SD कार्ड से पहले हमें मार्केट में जो सबसे ज़्यादा साइज का SD कार्ड देखने को मिलता था वो था 2 TB का, जो कि हमें सैंडिस्क की तरफ से देखने को मिलता था। साथ ही इसकी अगर डाटा ट्रांसफर की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलती थी 624 MBPS/s की डाटा ट्रांसफर की स्पीड। इसका मतलब अगर आपके पास कोई 1 GB की फाइल है तो उसको ट्रांसफर करने में लगभग आपको 2 सेकंड के आसपास लगेंगे। इसके साथ आपको 1 TB की माइक्रो SD कार्ड भी देखने को मिलता था, लेकिन वो भी सैंडिस्क की तरफ से आता था। इन दोनों में से ही कोई भी ठीक तरीके से अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके साथ आप 2 TB से डायरेक्ट 128 TB की हमें SD कार्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो सोच लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है, साथ ही कितनी तेजी से मार्केट बदल रहा है। सीधे 2 TB से 128 TB आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। दोस्तों इसी के साथ आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि क्या 128 TB SD कार्ड की कोई हमें रियल में ज़रूरत है। अगर हार्ड डिस्क की बात हो तब तक तो सही है, चलो कुछ यूज आ जाएगा 128 TB का, क्या रियल में SD कार्ड में कोई इसका इतना यूज हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, SD कार्ड का भी इतना यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4K और 8K रिकॉर्डिंग में हमें हेल्प कर सकती है। इसके साथ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेज में हमको हेल्प कर सकती है। इसके साथ जो 360 डिग्री कैमराज होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम 128 TB के SD कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके साथ हमारे अपने जो कार्स होते हैं कार्स में यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे ड्रोन होते हैं ड्रोन में तो आप जानते हैं कि कितनी तेज़ी से ड्रोन की टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उनमें भी हम इस 128 TB के SD कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें डाटा ट्रांसफर और साथ ही डाटा स्टोर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों इसी के साथ 128 TB SD कार्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, जिससे कि वो लोग भी जान पाए कि मार्केट में 128 TB का SD कार्ड आ गया है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जानते ही हैं आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।